शिवराम का मुकाबला भी तो देखिए, जिस शिवेंदु अधिकारी के हाथ पकड़कर उन्हें सियासत की राह में आगे चलना सिखाया ममता बनर्जी ने, वही आज सामने खड़े हैं चुनावी मैदान में ममता के खिलाफ। 294 उम्मीदवार ममता बनर्जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो बिसात बिछी हुई है नंदीग्राम में, उसमें थोड़ा ध्यान देना होगा ममता बनर्जी को। और उनका जो अंदाज है, जो तरीका है, जो जिस तरह से चुनावी प्रचार कर रही है, वो भी बहुत कुछ कह रहा है। नंदीग्राम की धरती से ममता बनर्जी ने अपने चुनावी अभियान की सबसे बड़ी लकीर खींच दी, बता दिया कि वो बंगाल की सियासत में सबसे खरा सिक्का क्यों है। ममता के नंदीग्राम संवाद की व्याख्या करें, उससे पहले सुनिए ममता ने पर्चा भरने की परमिशन लोगों से मांगी, यानी नामांकन भरना है या नहीं ये नंदीग्राम ने तय कर दिया। नंदीग्राम सीटा तो कौन खाली छिलो कि छिलो ना, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে, আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে, মনে রাখবেন আমার দুটো নন্দীগ্রাম, আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম, ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। नंदीग्राम में ममता की मौजूदगी का संदेश बड़ा है। अगर नंदीग्राम को ममता ने चुना तो उसके पीछे की वजह खुद दुनिया को समझाई। इसे आप ममता की भाषा को पढ़कर समझ सकते हैं, यानी स से संघर्ष की भूमि, स से सफाया लिफ्ट का, स से सेक्युलर राजनीति, स से सियासी सफर, स से सत्य की शपथ, स से सहानुभूति का मौका। ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन नंदीग्राम को क्यों चुना, आज ममता ने अपने अतीत के पन्ने खोलकर पढ़े तो हर कॉमा और हर फुल स्टॉप के बाद सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम लिखा हुआ दिखा। अब असली इम्तिहान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का शुरू होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ उन्हें के पुराने सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी जो लगातार बड़े मार्जिन से यहां पर जीतते हुए चले गए, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो अपने आंदोलन को बताकर यहां के लोगों के दिलों में एक बार फिर से जगह बनाना चाहती हैं। इस बार नंदीग्राम किसका होगा, यहाँ का महासंग्राम कौन जीतेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नंदीग्राम के चुनावी दंगल में ममता के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार है शुभेंदु अधिकारी, तो गठबंधन की तरफ से नंदीग्राम की सीट अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट की झोली में डाली गई, यानी नंदीग्राम में ध्रुवीकरण की सियासी पटकथा लिखी जा चुकी है। लेकिन ममता विरोधियों के हर सियासी वार से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ममता 3 दिन के नंदीग्राम दौरे पर हैं, बुधवार यानी 10 मार्च को पर्चा भरेंगी, लेकिन उससे पहले ममता ने बंगाल की जनता और सियासी विरोधियों को संदेश दिया। যখন আন্দোলন চলছিল একদিকে গুলি আর একদিকে বোমা, আপনারা কি করছিলেন, আপনারা গুন্ডাদের সাথে লড়াই করেছিলেন, কেউ দিয়েছিলেন আজানের সুর, কেউ দিয়েছিলেন শঙ্খধ্বনি, কেউ দিয়েছিলেন উলুধ্বনি, তাই নন্দীগ্রাম আর শুধু নন্দীগ্রামে নয় সারা পৃথিবীতে নন্দীগ্রাম পৌঁছে গেছে, আপনারা ভুলে যাননি নিশ্চয়ই আমি আশা করি। নন্দীগ্রামের মানুষদের নিয়ে আমি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেছি, রাষ্ট্রপতির কাছে গেছি, আমি ত্রিবাঙ্গমে গেছি, আমি চেন্নাই গেছি, আমি মুম্বাই গেছি, আমি নন্দীগ্রামের মানুষের কথা তুলে ধরবার জন্য। ममता बनर्जी का सियासी रूट नंदीग्राम में कैसा रहने वाला है ये आपको बताते हैं, यानी ममता के चुनावी मुद्दों का माइलस्टोन क्या क्या है। ममता बनर्जी का पहला माइलस्टोन है बंगाल की बेटी। इसे आप यूं समझिए कि नंदीग्राम की लड़ाई में बीजेपी ने ममता पर बाहरी का आरोप लगाया है, ममता ने एक सवाल से बड़ा सियासी दांव खेल दिया। नंदीग्राम की धरती से पूछा बंगाल की बेटी बाहरी कैसे। दूसरा माइलस्टोन, न डरी न रुकी और न थकी, यानी जैसे 2007 में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के वक्त ममता नहीं डरी, बम बारूद और गोली से नहीं रुकी, वाम को उखाड़ फेंका, ठीक उसी तरह टीम बीजेपी से डटकर सियासी लड़ाई लड़ेंगी। ममता का तीसरा माइलस्टोन, नंदीग्राम में 35% मुस्लिम हैं, जबकि 65% हिंदू। ममता पर लेफ्ट और बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। ममता ने सियासी गाड़ी हिंदू धर्म पर रोकी, ममता ने हिंदुत्व की परिभाषा सुनाई
और दुर्गा काली से लेकर चंडी पाठ का जिक्र किया। ममता का चौथा माइलस्टोन पूर्व फौजी फारूक अहमद का घर है, जहां चुनावी अभियान के दौरान ममता बनर्जी ठहरेंगी। जो लोग ममता के हर फैसले को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, ममता ने इसका जवाब दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।